नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बना रहे ब्रेड पकौड़ा, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने। इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, पर बहुत आसान तरीका बन जाता है। एकदम खाने में तो बहुत यानी बहुत लाजवाब है, दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है और मुझे कमेंट करनी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है दोस्तों, इसी तरह से ब्रेड मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। पहले कभी भी ब्रेड पकौड़ा बनाना हो तो पहले बेसन का घोल अच्छी तरह से बना लेना है। इससे क्या होता है, हमारा बेसन का घोल एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल बेसन का घोल बेसन लिया हुआ है दोस्तों, नॉर्मल वाला हमारा। तो यहाँ पर हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी हल्दी डालेंगे आधी चम्मच, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है। और इसका घोल पहले हम बना लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का डालेंगे हम, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी करके हम घोल बना लेंगे अच्छी तरह से। ज्यादा भी हमें पतला भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी मोटा नहीं चाहिए, यानी जाड़ा वाला। और ये पकौड़ा खाओगे तो आप दूसरा पकौड़ा खाने का भूल जाओगे, एकदम परफेक्ट, यानी बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट इतनी बढ़िया होती है दोस्तों। एंड तक वीडियो देखना है मेरा और मुझे प्लीज कमेंट करना है और घर पे ट्राई करना है। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से घोल बनाना है। यहाँ पे मैं स्किप नहीं करूंगी कि मेन घोल होता है, घोल अच्छा बना तो हमारा ब्रेड का पकौड़ा एकदम अच्छा फुला फुला हो जाता है। अभी तो लॉकडाउन भी है तो इसे चटपटा सा खाने का मन होता है हमारा, तो घर पे ही बनाना है एकदम अच्छी तरह से और एकदम टेस्टीदार। तो यहाँ पे हमें बेसन की गुठलियां नहीं चाहिए, थोड़ा और पानी लगेगा, बहुत ज्यादा है यानी देख रहे हो आप। इसी तरह हमें इसी तरह से नहीं चाहिए, हल्का सा। यहाँ पे मैंने एक कप जितना पानी पड़ा, यानी छोटा वाला कप, बड़ा वाला नहीं। इसी तरह से देख रहे हो, इसको अच्छी तरह से फैट लेना है, यानी ये बैटर हमारा एकदम स्मूथ हो जाएगा इसी तरह से। अभी इसको हम लोग 10 मिनट के लिए सेट करने को रख देते हैं डो को, तब तक हम ब्रेड का मसाला बना लेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग 6 या 7 हरी मिर्च डालेंगे, आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, यहाँ पे 10-12 कड़ी पत्ता डालेंगे मीठा वाला, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है दोस्तों, बहुत यानी बहुत बढ़िया आता है। और यहाँ पर हम लोग धनिया डाल देंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे। अभी इसको हम लोग मिक्सी जार में दरदरा पीस लेना, सिर्फ दरदरा पीसना है, यहाँ पे पानी वगैरह कुछ डालना नहीं, सिर्फ दरदरा हमें यहाँ पे पीस लेना है। अभी यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में पीस लिया, आप देख रहे हो इसी तरह से हमें दरदरा चाहिए दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से हमें दरदरा चाहिए, यहाँ पे पानी वगैरह कुछ डालना नहीं, बिना इसका ही हम लोग इसे दरदरा पीस लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं हम। यहाँ पर अभी एक पैन रखा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2 चम्मच ऑयल डाल लिया। पहले मसाला अच्छी तरह से हम लोग बना लेते हैं ब्रेड पकौड़े का, ये मुंबई स्टाइल बना रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सीक्रेट भी है, क्योंकि ये मसाला आप बना के रखोगे ना, कभी भी आपको वड़ा पाव ब्रेड पकौड़ा खाना हो, खाली मसाला लिया, ब्रेड लिया, घोल बटाटा लिया, बस बना के रख दिया खाली, बस कुछ प्रॉब्लम ये नहीं होगा। अरे ये मसाला मेन है हमारा, मसाला अच्छा बन गया तो बस आपका ब्रेड पकौड़ा और वड़ा पाव भी बहुत अच्छा बने, मसाला का ही सीक्रेट ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे मसाले कच्चे डालते हैं, यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया अच्छी तरह से, यहाँ पे हम लोग सरसों के दाने ऐड करेंगे, यानी कि राई अच्छी तरह से तड़तड़ होनी चाहिए, अच्छी तरह से तड़तड़ होगी तो खाने में बहुत मजा आएगी और दांतों के अंदर रहते तो थोड़ी एक अलग ही स्वाद आता है, नहीं तो फिर कच्चापन हो जाता है तो कड़वा लग जाता है। तो सरसों के दाने अच्छी तरह से तड़तड़ हो गए, हवा देख लेना है, देख रहे हो अभी हो रहा है। अभी यहाँ पे इसके साइड में हम लोग जीरा ऐड करेंगे, जीरा भी अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पे हम लोग 2 चम्मच उड़द की दाल डालेंगे, ये बहुत अच्छी थी कच्ची वाली उड़द की दाल लाना, इसको भिगोना वगैरह कुछ नहीं है। 2 चम्मच मैंने डाला है बड़ा वाला, इसको अच्छी तरह से कलर आने से भूनेंगे, यानी उड़द की दाल को अच्छी तरह से गोल्डन करना है हमें। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, घर पे बनाना है प्लीज। इसके साथ ही देख रहे हो आवाज, गैस की फ्लेम हम लोग स्लो कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो मसाला मैंने बनाया था वो डाल देंगे,
गरम मसाला डालेगा आधा चम्मच, धना जीरा पाउडर एक चम्मच, थोड़ा हींग डालेंगे दो चुटकी, स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा हम लोग इसमें धनिया डाल देंगे हल्का सा। गैस अभी बंद कर देना है, पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। देख रहे हो उड़द की दाल कितनी क्रिस्पी, जब आप बनाओगे ना तो दांतों के अंदर एकदम ना क्रिस्पीपन आता है और टेस्ट बहुत यानी बहुत बढ़िया आती है। और ये मसाला रख देने का, कभी भी खाने का मन हो वड़ा पाव या ब्रेड पकौड़ा तो आप इस मसाले को डाल सकते हो, और ये 15-1 महीना अच्छा रहता है फ्रिज में रख दिया तो। अभी ये मसाले को हम लोग पूरा ठंडा कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 6 आलू लिए दोस्तों, उसको उबाल लिया है मैंने इसी तरह से, छोटे छोटे आलू ही तो। अभी यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, यहाँ पे आलू डाल देते हैं और हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है हाथों से इसी तरह से। आपको हाथों से पसंद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ग्रेट भी कर सकते हो। इसी तरह सारे आलू हम इसी तरह से ग्रेट यानी मैश कर लेते हैं। ये आलू ब्रेड पकौड़े का इसी तरह से करना होता है तो थोड़ा फील होता है हलवाई स्टाइल जैसे, तो टेस्ट भी आती है थोड़ी। और ग्रेट करने से क्या होता है पूरा एकदम अलग ही हो जाता है, पूरा एकदम अलग। इसमें थोड़ा सा हमें गुठली भी चाहिए, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का गुठली चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से हमें चाहिए। अभी हम बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अभी यहाँ पे मैंने जो मसाला मेरा मैंने किया लिया था वो ठंडा हो गया पूरा, उसके अंदर डाल देंगे पूरा ही। ये सीक्रेट मसाला होता है दोस्तों। अभी इसके साथ हम लोग धनिया डाल देंगे थोड़ा, और इसको चमचे के सहायता से पूरा मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ऐसी भी रोटी के साथ भी ये मसाला खा सकते हो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना हो तो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम आलू और मसाले को। पे मैंने पूरा मिक्स कर लिया दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से। थोड़ा मैं आलू थोड़ा ऐसा दिखना भी चाहिए, थोड़ा एकदम पूरा मैश नहीं चाहिए, उसकी टेस्ट थोड़ी अलग आती है। मैं हाथों से कर लेती हूँ, थोड़ा बता रही हूँ आपको, देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट है इसी तरह से। अभी हम इसको ब्रेड ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया दोस्तों, इसको ऐसे बीच में से कट कर लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड हमें इसी कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए, आप देख रहे हो इसी तरह से। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। अभी यहाँ पर हमारा डो सेट हो गया है, बैटर बेसन का, देख रहे हो इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग 2 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे, 2 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा हमें पानी डालना है सोडे के ऊपर, यानी एकदम इसी तरह से, इससे का बैटर भी स्मूथ हो जाता है और एकदम परफेक्ट बन जाता है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है बैटर को, इसी तरह से हमें घोल चाहिए, देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसको साइड रख लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड और टोमेटो सॉस, यहाँ पे स्टफिंग ले लिया है दोस्तों। अभी आपको लगा ये टोमेटो सॉस मैंने घर पे बनाया है दोस्तों, आपको ये टोमेटो सॉस सीखना होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कैसे बनाना है टोमेटो सॉस, ओके। तो बना लेना, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनता है, बाहर से भी बहुत अच्छा बनता है टोमेटो सॉस, देख रहे हो इसी तरह से, मैं लिंक दे दूंगी। तो अभी इसको थोड़ा मैं साइड ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा रोटी बेलने का चकला ले लिया है दोस्तों, और यहाँ पे एक ब्रेड ले लेती हूँ, और यहाँ पे थोड़ा हल्का, आपको टोमेटो सॉस इसमें लगाना हो तो लगा सकते हो, आपको नहीं पसंद होगा तो कोई बात नहीं मत लगाना, थोड़ा एक चटपटा सा मुझे अच्छा लगता है खाने में, तो मैं थोड़ा यहाँ पे सॉस भी लगाऊंगी इसी तरह से। दोनों साइड में लगा लेती हूँ हल्का, आपको पसंद होगा तो ही लगाना दोस्तों, नहीं तो मत लगाना, थोड़ा चटपटा सा अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा स्वाद एक दुगना हो जाता है ना। अभी यहाँ पे मैंने लगा लिया हो, यहाँ पे हम लोग सब्जी ले लेंगे, और सब्जी को इसी तरह से हम लोग स्प्रेड कर लेना है सब जगह। हल्की सी लगाना है सब जगह,
और यहाँ पे ये ब्रेड हमें इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे दबा देना है, ये चिपक जाता है। देख लो इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड भी हम इसे ही बना लेते हैं। बाकी के सारे ब्रेड मैंने इसे ही कर लिए, आप देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने घोल ले लिया है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे एक जगह गरम ऑयल करने को रख दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ले लेना, इसको और हाथों से इसे दबा लेना, यानी स्टफिंग निकलेगा भी नहीं और एकदम परफेक्ट एकदम फुल जाएगा, डबल हो जाता है ये इसी तरह। अभी यहाँ पे हम लोग घोल के अंदर डालेंगे इसी तरह से। अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, अभी यहाँ पे ब्रेड डाल देंगे हम इसी तरह से। मैं यहाँ पे एक एक ब्रेड डालोगे क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है, पैन मेरा, तो मैं यहाँ पे एक एक ही डालने वाली हूँ। और ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया, ऊपर से इसे छिड़केंगे। आपकी बड़ी कढ़ाई होगी तो आप दो तीन भी डाल सकते हो, मेरी छोटी कढ़ाई इसलिए मैं एक एक ही डाल रही हूँ क्योंकि बहुत फूल के ऊपर आ जाता है। देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करने को भी टाइम लगता है, यानी परफेक्ट आप दो चार एक ही बार डालोगे तो परफेक्ट होगा नहीं, एकदम फूल गया है। देखो ये दिख रहा है, इसको कलर आने तक फ्राई करना है हमें। पलटी कर लेना है, ऑयल बहुत गर्म हो गया हमारा। थोड़ी बबल से ये साइड निकाल लेते हैं हम, कितना फुला फुला है ना। और कभी भी आप पकोड़ा करते हो कि ब्रेड पकोड़ा, तो ऑयल थोड़ा ज्यादा ही लेना क्योंकि फूल के ऊपर आता है दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। अभी ये पकोड़ा हमारा रेडी हो गया है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देख रहे हो कितना फूल गया है, मैंने यहाँ पे छोटा ही ब्रेड लिया है दोस्तों, इससे बाकी के सारे पकौड़े हम इसे ही फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़ा बना लिया, मिर्ची रख दूंगी दोस्तों, मिर्ची वगैरह तो पकौड़ा खाने का मन नहीं होगा। मैं आपको एक हाथ में लेके बताती हूँ, देखो कितना परफेक्ट, थोड़ा भी ऑयल नहीं है। देख रहे हो अभी मैं इसको काट के बता के थोड़ा साइड रख लेती हूँ। मैं यहाँ पे मैं चकला ले लेती हूँ इसी तरह से, और इसको काट के बताएंगे हम, यानी अंदर का स्टफिंग भी आपको समझ में आएगा। देखो करारा, दिख रहा है मस्त टोमेटो सॉस और सब्जी, आहा मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो प्लीज घर पे बनाना है, देखने से काम नहीं चलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो इसी तरह से हमने बना लिया है, तो इसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।